गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 क्लास 12 के क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आई इज इक्वल टू इंटीग्रल sec स्क्वायर 7 - 2x dx। अब हमें पता है कि इंटीग्रल sec स्क्वायर थीटा का मान होता है tan थीटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan और थीटा की जगह पे इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब 7 - 4x का जब हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो हमें -4 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ x के साथ गुना के रूप में है। तो जब इंटीग्रेशन में ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा किस भाग के रूप में, यानी कि -1/4। तो इसे हम यहाँ से डिफ्रेंसिएशन निकाल के और तब उसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो -1/4 हमें प्राप्त होगा, और तब sec स्क्वायर का कितना हो जाएगा tan, और फिर थीटा की जगह पे लिख दिया 7 - 4x + c। और इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 22 का हल हमें प्राप्त हुआ। लेकिन ये काफ़ी शॉर्ट है, बहुत से विद्यार्थी इसे समझ पाए होंगे, बहुत से नहीं समझ पाए होंगे। तो जो लोग इसे नहीं समझ पाए हैं वो एक्सरसाइज 7.1 में जाके मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से आप आराम से समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। फिर भी मैं इसे टी मान के भी एक बार बनाऊँगा, तो आइए एक बार टी मान के भी इसे बनाया जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसे हम 1 मान लेंगे, और आगे फिर क्या करेंगे कि लेट टी इज इक्वल टू 7 - 4x। अब क्या करना है कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, dt/dx इज इक्वल टू, इसका तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, और यहाँ हमें प्राप्त होगा -4 dx/dx। तो ये dx कैंसिल हो गया, अब हमें कितना प्राप्त हुआ, dt/dx इज इक्वल टू -4। तो dx का मान कितना प्राप्त हुआ, dx का मान हमें प्राप्त होगा -dt/4। अब हम क्या करें, इस मान को कहाँ रखें, एक में, तो यहाँ रखें putting the value of 7 - 4x and dx in first we have। अब एक में इसका मान हम लोग रखें, तो जब एक में इसका मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल sec स्क्वायर, और इस चीज़ को तो हम लोगों ने क्या माना है, t माना है, यहाँ पे लिख दिया क्या t, और फिर इस dx का मान यहाँ है -dt/4, यहाँ पे हो जाएगा -dt/4। अब क्या होगा कि ये कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, -1/4 इंटीग्रल sec स्क्वायर t dt, तो कितना हो जाएगा -1/4, और sec स्क्वायर का कितना होगा tan, तो यहाँ पे लिखते हैं tan t + c। तो हमें कितना प्राप्त होगा 1/4, और tan और t का मान रख देना है हमें, तो t का मान कितना प्राप्त है 7 - 4x, तो यहाँ पे लिखते हैं 7 - 4x + c। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोगों ने एक बार अनुमान विधि से भी बना लिया और दूसरी बार टी मान के भी बना लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया गया है I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन इनवर्स x/√1 - x² dx। अब हम क्या करें, इसे 1 मान लें। सबसे पहले
और तब यहाँ पे लिखें माना कि टी इज इक्वल टू वन, सॉरी माना कि टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब इस साइन इनवर्स एक्स को टी मान लो, तो अब क्या करें, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव क्या पाते हैं हम, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। तो हमें प्राप्त होगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब डी साइन इनवर्स एक्स का मान होता है वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम डी एक्स का मान निकाल लें, तो डी एक्स हमें प्राप्त होगा कितना, डी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। अब क्या करना है, इस डी एक्स का मान यहाँ पे रख देना है, साथ ही साथ साइन इनवर्स एक्स को हमने टी माना है उसका मान भी रखना है। तो अब क्या करें कि एक में साइन इनवर्स एक्स तथा डी एक्स का मान रखने पर अब आइए एक में रख के देखा जाए, जैसे ही एक में रखेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, आई इज इक्वल टू, चलिए इस साइन इनवर्स एक्स को हमने टी माना है तो यहाँ रख दें टी अपॉन, नीचे कितना है रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसे ज्यों का त्यों रख दें रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ डी एक्स, तो डी एक्स का मान हमने प्राप्त किया है रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। तो अब क्या हुआ, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट में जो है वो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ हमें, हमें प्राप्त हुआ इंटीग्रल टी डी टी, जिसे हम लिखेंगे कितना, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो ये हो जाएगा वन बाई टू, और टी का मान कितना है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। और इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 23 का हल भी प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हमें दिया गया है, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। अब हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, इंटीग्रल 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ कितना बच जाएगा, 3 cos x प्लस 2 sin x dx। और इसे हम क्या करें, इसे हम मान लेते हैं 1। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग t मान लें, तो माना कि t इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 sin x, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अब दोनों तरफ अवकलन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स प्लस 2 इंटू डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो हमें यहाँ प्राप्त होगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू डी कॉस, अब चलो कॉस का कितना होता है, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स,
और प्लस टू इंटू साइन का कितना हो जाएगा कॉस एक्स। यहाँ पे हमें प्राप्त होगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, ये वाला टर्म यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे डी एक्स का मान निकालेंगे, जैसे ही डी एक्स का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना डी टी अपॉन टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये मान यानी कि डी एक्स का मान और साथ ही साथ थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स का मान पुट कर देना होगा वन में। तो अब यहाँ लिखेंगे वन में किसका किसका मान जी, थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स एवं डी एक्स का मान रखने पर, अब जैसे ही मान इसका रखेंगे हमें क्या प्राप्त होगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन यहाँ पे टू इंटू थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू, अब डी एक्स का मान हमें कितना प्राप्त होगा डी टी अपॉन टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स। तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अभी हमें प्राप्त होगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, सॉरी पहले तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है वन बाई टू, तो इसे बाहर ले लें वन बाई टू इंटीग्रल, और चलिए यहाँ जो था इसको हम टी कर लेते हैं, यहाँ तो हमें टी मानना था तो हम टी कर लेते हैं, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये कितना हो गया वन अपॉन टी डी टी। तो चलिए वन बाई टी का कितना हो जाएगा लॉग, तो हम कितना लिखें वन बाई टू लॉग टी प्लस सी, तो यहाँ पे हो गया वन बाई टू लॉग और टी का मान कितना हम रख दें थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस सी। और इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 24 का भी हल प्राप्त हो गया। आशा है इन तीनों प्रश्नों को बनाने का तरीका आप सीख गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।